स्टूडेंट और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं WBCE का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा वो आखिर में कैसे होगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि WBCE राउंड 1 खत्म हो चुका है। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, जैसे ही आपको 7 को रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, सो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस को लेकर ना बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन है। मुझे पर्सनली कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन मिले हैं व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे, वो सभी क्वेश्चन को मैं कलेक्ट कर लाया हूं और इस वीडियो में करूंगा जी आंसर। ठीक है, सो आपको वीडियो एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल मत करना, और चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल का कंटेंट जाके चेक कर लेना, उसके बाद आके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना जी। ठीक है, और वीडियो को आप लाइक नहीं करते प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना अगर पसंद आए तो। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करेंगे, क्या करना होगा आपको आगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कैसे करना होगा, सब चीज जान जाएंगे जी इस वीडियो में। ठीक है, सो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है बच्चे के मन में कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेंगे। ठीक है, सो मैंने देखिए क्या लिखा है यहां पे, वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जब मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं बहुत ही डिटेल में, तो मैं इस वीडियो में भी वही चीज बताऊंगा, तो फिर वीडियो भी लेंथी हो जाएगा और आपको भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट को पता चल गया होगा। ठीक है, नहीं पता चला, वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले लिया हूं, स्पेशली वीडियो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के ऊपर ही है, आप जाके देख लेना। ठीक है, फिर भी मन अगर आपको वीडियो देखने का नहीं है, सो अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए कि कौन कौन से सर डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो आप कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे। अब बच्चा पूछेगा सर कौन से कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, इतने सारे कॉलेजेस हैं, तो मैं आपको बताता हूं, जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा राउंड वन में, जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको IIM कॉलेज अलॉट हो गया, सो आपको किसी के ऑफिशियल वेबसाइट से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ IIM के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहां पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उन्होंने ऑलरेडी बता दिया जी। ठीक है, सो आप समझ गए होंगे कि आपको जाना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, ओके, नहीं तो वीडियो जाके देख लो आप। ठीक, चलिए अब बात करते हैं सीट एक्सेप्टेंस फी को लेके। सबसे पहले तो मैं बता दूं यहां पे 5000 लगेगा आपका सीट एक्सेप्टेंस फी, तो ध्यान से सुनना, इसका नाम है सीट एक्सेप्टेंस फी। तो सीट आप एक्सेप्ट तो तभी करोगे जब आपको सीट मिलेगा, मतलब वो बच्चा जिसको सीट अलॉट नहीं होता है सर राउंड वन में, उसको कोई सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं देना होगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, जिसको सीट लगेगा उसके आपको एक्सेप्टेंस फी देना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, तो ये सभी प्रोसेस उन स्टूडेंट के लिए जिनको राउंड वन में कोई ना कोई सीट मिलेगा जी। ठीक है, अब बच्चे के मन में सवाल आएगा सबसे पहले सर कहां पे करना होगा, कॉलेज में पे करना होगा या ऑफिशियल वेबसाइट पे करना होगा, तो मैंने बता दिया है ऑफिशियल वेबसाइट। जो किसका ऑफिशियल वेबसाइट, अब सर दो ऑफिशियल वेबसाइट आप बता रहे हो, एक कॉलेज का और एक WBCE का, तो ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ WBCE, जैसे आपने काउंसलिंग कराया था ना तो 500 रुपया उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया था, वैसे ही आपको 5000 उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देना है। ठीक है, अब बच्चा दूसरा क्वेश्चन पूछता है सर हाउ मेनी टाइम्स, क्योंकि WBCE 3-3 राउंड कराता है, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3, हर में अगर हम गो सभी राउंड्स में नए नए कॉलेजेस अलॉट हो गए तो 5-5000 हर बार देना होगा क्या, नहीं, सिर्फ पहली बार आपको देना है। अगर आपको राउंड 1 में लगता है तो राउंड 1 में देना होगा, 2 में लगता है मतलब राउंड 1 में नहीं लगता है, 2 में लगता है तो 2 में देना होगा, किसी में नहीं लगता है मॉपअप राउंड में लगता है तो मॉपअप राउंड में देना होगा। सो आंसर होगा सिर्फ 1 टाइम, सिर्फ एक ही बार जब आपको सीट लगेगा जी। ठीक है, इज इट नेसेसरी, देना ही पड़ेगा क्या सर, बिल्कुल यस, इसके लिए तो बहुत बड़ा यस भी लिख देता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सीट एक्सेप्टेंस फी अगर आपने नहीं दिया ना तो काउंसलिंग के लिए आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आप फर्दर काउंसलिंग नहीं करा सकते जी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं जी यहाँ पे। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इफ आई विल पे द सीट एक्सेप्टेंस फी बट कैन नॉट गो टू द कॉलेज फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिजेक्ट हो जाइएगा। ठीक है, रिजेक्ट हो जाइएगा, किससे रिजेक्ट हो जाएंगे सर, काउंसलिंग से, 5000 भले ही दे दिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराए फिर भी रिजेक्ट हो जाएंगे। हाँ, मतलब सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपको एनी हाउ कराना है, और वो तभी होगा जब 5000 सीट एक्सेप्टेंस फी, मतलब ओवरऑल दोनों जरूरी है सर, दोनों ही। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन जो बच्चे पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे मिला कि पेरेंट्स के साथ जाना है क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, नो, नॉट नेसेसरी। ठीक है, नॉट नेसेसरी, जा भी सकते हो यार, अगर पेरेंट्स जा रहे हैं तो आप उनको मना थोड़ी करोगे, बट नेसेसरी नहीं है। ठीक है, बट एडमिशन टाइम में पेरेंट्स के साथ ही जाना होगा। ठीक है, वहां पे सिग्नेचर वगैरह लगता है। ठीक है, टाइमिंग एंड डेट ऑफ वेरिफिकेशन, तो डेट तो WBCE ने बता ही दिया, मैंने भी आपको वीडियोस के द्वारा बता ही दिया क्या क्या डेट्स हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। अब टाइमिंग क्या होगा ये आपको पता चलेगा उनके ऑफिसर, किनके सर, कॉलेज के। ठीक है, कॉलेज का जो ऑफिशियल वेबसाइट होगा ना उस पे जाना, उस पे टाइमिंग इन्होंने मेंशन किया होगा कि कौन को कितने बजे से लेके कितने बजे तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा जी। ठीक है, और डेट तो आपको पता ही है, डेट मैंने बता ही दिया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज
व्हाट इफ आई विल नॉट गेट एनी सीट इन राउंड वन? सर आप बात करो सिर्फ स्टूडेंट के लिए जिनको सीट लगेगा, हमारे लिए भी तो बात कर लो जिनके लिए सीट नहीं लगेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठना है, राउंड टू के लिए वेट करना है, ठीक है? आपको कुछ करना ही नहीं है, डब्ल्यूबीसीए ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है? आप डायरेक्ट ऑटोमेटिकली चले जाओगे कौन से राउंड के लिए, राउंड टू के लिए, कुछ नहीं करना, ठीक है? ना यस अपग्रेडेशन, ना नो अपग्रेडेशन, ना सीट एक्सेप्टेंस पे, कुछ भी नहीं करना, ध्यान से सुन लेना, ठीक है? अब दूसरा क्वेश्चन, हाउ टू अपग्रेड फॉर राउंड टू? सर अपग्रेड कैसे करेंगे? यस अपग्रेडेशन का लेटर आपको मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, यस अपग्रेडेशन का लेटर होगा और एक नो अपग्रेडेशन होगा। अगर आपको नहीं कराना है तो नो अपग्रेडेशन लेके जाओगे, डायरेक्ट एडमिशन करा लोगे, और अगर आपको अपग्रेड कराना है तो यस अपग्रेडेशन का लेटर ले जाके कॉलेज में सबमिट करना है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर कॉलेज कुछ देगा क्या कि हमको पता चल जाए कि राउंड टू के लिए हम जा चुके? कुछ नहीं देगा, वो आप राउंड टू के लिए चले गए, ठीक है? जैसे यस अपग्रेडेशन का फॉर्म वहां पे सबमिट करोगे, एडमिशन नहीं लोगे, तो ऑटोमेटिकली आप राउंड टू के लिए चले गए हो, ठीक है? अगला क्वेश्चन मैं यहां पे ले लेता हूं। इफ आई विल नॉट गो टू द कॉलेज फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एम आई एलिजिबल फॉर मॉपअप राउंड? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? कि सर अगर मैं, मुझे सीट लगा, ठीक है, और मैं नहीं जाता हूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, सीट एक्सेप्टेंस फी भी नहीं दिया, तो क्या मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हूंगा? तो मैं बता दूं मॉपअप राउंड के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हो, यस, ठीक है, बिल्कुल एलिजिबल हो। राउंड टू के लिए एलिजिबल नहीं हो, राउंड टू के लिए अब आप खत्म हो चुके, नहीं आप राउंड टू नहीं करा सकते, बट मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हो। उसमें फिर से रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें फिर से चॉइस फिलिंग होता है। मॉपअप राउंड की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपने डब्ल्यूबीसीए में पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है। अगर अभी जो रजिस्ट्रेशन हुआ है ना, जो कुछ दिनों पहले एंड हुआ, अगर आपने ये नहीं किया रजिस्ट्रेशन, तो आप मॉपअप राउंड में डायरेक्टली रजिस्टर्ड नहीं हो सकते, ठीक है? वही कैंडिडेट मॉपअप राउंड में जा सकते हैं जो रजिस्टर्ड है। अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, फिर भी आप एलिजिबल हो। लेकिन मैं आपसे यही सजेशन दूंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर कराना। अगर आप ये नहीं कराया तो सिर्फ मॉपअप के भरोसे मत रहना, क्योंकि मॉपअप का कट ऑफ किसी को नहीं पता होता। आप ये एक्सपेक्ट बिल्कुल करके मत चलना कि मॉपअप राउंड का सर कट ऑफ ना बहुत ज्यादा जा सकता, नॉट नेसेसरी, ठीक है? वो सीट वैकेंट के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है। अगर राउंड टू तक ही सीट पूरा कंप्लीटली फिल हो गया, तो राउंड थ्री में जो मॉपअप राउंड है उसमें 200-300 रैंक इससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं, ठीक है? सो इसलिए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर कराना अगर आपको सीट अलॉट होता है, ठीक है? सो चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी लोगों का। और बात करें अगर किसी भी स्टूडेंट का रैंक बहुत पीछे आ चुका है और अगर उनको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए होगा वेस्ट बंगाल के कॉलेज में, तो मैं बार बार बोलता हूं आपको कहीं नहीं जाना, आपको कॉन्टेक्ट करना है जी हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे, या फिर गूगल फॉर्म आप फिल कर सकते हो, ठीक है? सो मैं एक अनाउंसमेंट यहां पे कर देता हूं कि 7 तारीख को जैसे ही आपका राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, उसी 7 को 7:30 PM में मैं आपके सामने लाइव आऊंगा जी। फिर से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, कट ऑफ पे डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और आपके जो भी क्वेश्चन उस दिन बन रहे होंगे मैं लाइव सेशन में आंसर करूंगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ज्वाइन जरूर होना जी, ठीक है? चलिए, धन्यवाद।